हाय क्लास 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो, एक्सरसाइज 7.5 में आपको एक टेबल ये याद रखना है। फाइव फॉर्म्स आएंगी, रैशनल फंक्शन दिया गया होगा। ये लिखा हुआ है रैशनल फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ये जो फॉर्म आपकी है एज ए इंटीग्रैंड आपको दिया होगा। यू हैव टू फाइंड वॉट एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स इंटीग्रल्स। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी वीडियो में आपको। कैसे याद रखोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये जो ए कैपिटल, बी कैपिटल और जहां पर भी कैपिटल सी आ रहा है, ये सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टेंट से। ठीक है, देखो सेकंड फॉर्म आएगी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर दो वाले में पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू आएगा, एक्स माइनस बी को रिमूव करेंगे, यहाँ स्क्वायर चला जाएगा। ए अपॉन एक्स माइनस ए तो रहेगा ही, बी अपॉन एक्स माइनस बी आ जाएगा। 5-7 बार इनको लिखोगे, याद हो जाएंगे आपको। ये पी एक्स स्क्वायर थर्ड से तीनों में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, थर्ड वाली फॉर्म में एक्स माइनस ए का जो सेकंड फॉर्म में होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अराउंड 4 to 5 मार्क्स में ये बात करेगा। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, सी कैपिटल सी स्मॉल। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये एक्स माइनस सी को हटा दो, इसका स्क्वायर वापस कर दो, एक्स माइनस बी। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी ये जो रैशनल फंक्शन थे, हमने बेटा इनको डिकम्पोज कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। हेडिंग है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, प्लीज राइट डाउन। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक अगर आप समझ गए कि इसको रखना कैसे है, इसको चलाना कैसे है, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सो इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है इंटीग्रेट करना है रैशनल फ्रैक्शंस को, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे आप, देखो क्या ये फॉर्म आपको इसकी फॉर्म में नहीं लग रही, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। हमने क्या लिखा है इसको, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। देखो इसको, देखो आप लेफ्ट साइड को, ये इसी की फॉर्म में लग रही है। अब हमने क्या करना है, राइट साइड वाले की वैल्यूज निकालनी है और इसको इसके इक्वेट कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन डीएक्स, हम अंदर की क्वांटिटी रैशनल फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू ए अपॉन ए और बी, ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, ठीक, ये याद रखना, कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो इसको लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, और प्लस b अपॉन x प्लस 2। देखो इसको एलसीएम लो आप, यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, a x प्लस 2, और यहां डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, b x प्लस 1 आएगा। इधर x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, देखो ये कैंसिल। तो यहां से x इक्वल्स टू ए एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। देखो x कॉमन लो आप, यहां से x का कोफिशियंट कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा, 2a प्लस बी, और यहां पे हम लिख सकते हैं 0 प्लस x। x का कोफिशियंट यहां कितना है 1, और यहां कितना है a प्लस बी। तो एक इक्वेशन तो ये आई, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और यहां कॉन्स्टेंट कितना है 2a प्लस बी, और यहाँ कांस्टेंट कितना है 0, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू रख दो आप यहाँ से 1 माइनस बी, कितना 1 माइनस बी यहाँ रख दो, तो 2 1 माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2 बी प्लस बी, कितना होगा बेटा 2 माइनस बी प्लस बी, दैट इज माइनस के बी इक्वल्स टू 0। इधर करते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा है इसको, हमने इसको लिखा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से माइनस बी उधर चला जाएगा, b आ गया 2, b कितना आ गया 2 आ गया, b को यहां पुट करेंगे तो देयर फोर ए आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, डेट इज a आ जाएगा माइनस के 1। समझ में आया, ठीक। अब देखो क्या करना है, इसके फॉर्म में
एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ठीक, और एक्स प्लस टू ठीक। इसको हमने क्या लिखा था, इस क्वांटिटी को हमने यही तो लिखा था ठीक है। तो ए कितना है बेटा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस बी कितना है बेटा, बी आया मेरे पास टू, टू अपॉन एक्स प्लस टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन होल क्वांटिटी में और डीएक्स ठीक है। तो अब देखो हम इसको अब हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, माइनस डीएक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ प्लस टू बाहर ले लें अगर हम डीएक्स अपॉन एक्स प्लस टू ठीक है। ये आपका इंटीग्रेंड है, आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये किसका होता है, माइनस के लॉग एक्स प्लस वन। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास टू लॉग एक्स प्लस टू ठीक है जी, प्लस कैपिटल सी। समझ में आया, अब लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दो बस, और कुछ नहीं है इसमें। यहां से करोगे आप टू लॉग, देखो एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं लॉग एम एन, तो एन लॉग एम होता है यानी पावर पहले आ जाती है। और एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी होगी, लॉग जब माइनस में होता है तो एम अपॉन एन लिखते हैं ठीक है। एक प्रॉपर्टी और भी है, लॉग एम अगर प्लस में होता है लॉग एन के साथ, तो हम लिखते हैं लॉग एम एन मल्टीप्लाई में। इसको मैं ऐसा लिख लूं, लॉग ये एन है देखो ना, तो लॉग एम को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू, एन जो है वो पावर में चला जाएगा, और माइनस लॉग एक्स प्लस वन मॉडुलस प्लस सी। तो इसके आगे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या लिखेंगे, देखो ना लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम अपॉन एन, और एन कितना हो गया एक्स प्लस वन प्लस सी। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।